राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता और फॉरेन अफेयर्स कमीशन के डायरेक्टर यांग जिची से मुलाकात। शुक्रवार को दोनों की मुलाकात शंघाई में हुई। मुलाकात में दोनों देशों के बीच सीमा पर शांति बनाए रखने के अलावा कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। मुलाकात में इस बात पर भी सहमति बनी कि आपसी सहयोग और शांति के लिए दोनों देश लगातार बातचीत करते रहेंगे। डोकलाम विवाद समेत हाल ही की लद्दाख घुसपैठ और अरुणाचल पर चीन के रुख को लेकर इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। जून में प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने चीन जाएंगे। उससे पहले इसी महीने के अंत में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी चीन का दौरा करेंगी।